नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना ही चैनल टेलरिंग मास्टर में। मैं मुरली कुमावत। आज हम जानेंगे इंटरलॉक मशीन की सिलाई बड़ी या छोटी कैसे करते हैं। कोई सी भी कंपनी की सिलाई मशीन हो, एक ही तरीका है सिलाई बड़ी या छोटी करने का। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट और आपको दिखाते हैं अपनी शॉप में ही आप आराम से कर सकते हो सिलाई बड़ी या छोटी। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास है ये उषा की इंटरलॉक मशीन। ये फ्रंट साइड है इसका, ये स्क्रू है हमारा, ये बैक साइड में मिलेगा। ये देखिए, ये वाला है, ये स्क्रू दिया हुआ ना, ये वाला हमको लूज करना है। ये देखिए, इसके बाद हमको ये 6-7 के पाने की ज़रूरत पड़ेगी इस स्क्रू में लगाने के लिए। ये नट है, इस चाबी से खुलेगा। इसके बाद हमको ये वाला नट है, इसको लूज करना पड़ेगा। ये लूज हमारा होगा इस साइड, ये मैंने लूज कर लिया। ये देख ले, अंदर बाहर हो रहा है। ये देखिए, बाहर की साइड ये करेंगे, बाहर की साइड करेंगे इधर की साइड, तो ये हमारी सिलाई देगी बड़ी। तो एक बार मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ। सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी सिलाई इतनी बड़ी आई है। अब मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। फिर से ये करेंगे लूज, ये हमारा लूज हो गया। अब इसको धकेलेंगे अंदर, ये अंदर गया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कितना आपको छोटा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। अंदर की साइड तो होगा छोटा और बाहर की साइड होगा बड़ा, ये ध्यान रखना है। ये हमने अंदर की तरफ सेट कर दिया है। अब लगाते हैं सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए, फ़र्क दिख रहा है आपको, ये छोटे वाली सिलाई, ये बड़े वाली। आप और भी छोटा कर सकते हो। एक बार मैं और छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप आराम से देख सकते हो, ये सिलाई हमने छोटी करके लगाई है और ये बड़े वाली हो गई। अंतर देखिए, और आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये नट है, ये इसको बाहर की तरफ लाएंगे तो सिलाई होगी बड़ी और अंदर की तरफ होगी छोटी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये अंदर चला जाता है और बाहर भी आ जाता है। ठीक है, आप सेट करके वापस से ये नट है वो टाइट कर देना है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चलो चलते हैं, राम राम।